अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉर्निंग एंड्रयन, अगेन वेलकम टू माय आर्ट क्लास। आई एम सुषमा वर्मा एंड इन आर टुडे आर्ट सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू अ कॉफी पेंटिंग। यस, इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी अट्रैक्टिव पेंटिंग। मटेरियल आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर किचन लाइक कॉफी पाउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कॉफी पेंटिंग। इसको ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने ये पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी हैं ऑलरेडी। लुक एट दिस एनिमल ड्राइंग। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी, एज यू आर कंफर्टेबल, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ठीक है, एंड लुक एट दिस वन ऑल्सो। ये अभी मैं बाद में करूँगी, नॉट नाउ। तो अभी मैं आपको इजी सा कॉफ़ी पेंटिंग सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बाउल्स लिए हुए हैं। इन बाउल्स में मैं कुछ आपको, दीज आर द 3 बाउल्स एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम हॉट वाटर 2-3 स्पून। ओके, आपको कम से ज़्यादा की क्वांटिटी में जाना है। पहले आप थोड़ी कॉफ़ी लेंगे, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा इस बाउल में, और इस बाउल में आप थोड़ी उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। आपको थिक पेस्ट बनाना है। सो मिक्स वेल विद द हेल्प ऑफ ब्रश। आपको चेक करना है इसका टेक्सचर, इसका इफेक्ट कैसा आ रहा है। अंदर रफ शीट, show you, look at this, it's a light tone and then second tone and this is the third one, thick tone। ये 3 तरीके के टोन हमको रेडी करने हैं और इसको पेपर पे हमको चेक करना है। आपको सबसे पहले लाइट टोन चेक करेंगे, इसका शेप कैसे आता है। फाइन, एंड देन उसके बाद उससे थिक टोन, एंड देन डार्क टोन। ये थोड़ा और डार्क होना चाहिए। ठीक है, दिस वन इज द डार्कर। इतना डार्क होना चाहिए, सबसे डार्क वाला। फाइन, तो इस तरह से पहले हमको शेड रेडी करना है, 3 शेड्स। ओके सर, सो ये मेरे 3 टोन कलर के रेडी हो गए हैं, लाइट, डार्कर एंड देन थिकर। तो ये 3 शेड्स हमें रेडी करने हैं। सबसे पहले हम लाइट टोन को अप्लाई करेंगे। विद द होल शेड। ओके,
पिक्चर के साइड साइड ही हमको ये टोन लेना है। रिमेम्बर इट वॉज जस्ट लाइक अ वॉटर कलर पेंटिंग। Let the sheet is dry, then apply second tone. This is the second one. ये फर्स्ट तो हमने अप्लाई कर रही हूँ। आई एम टेकिंग द सेकेंड टोन। When it will be dry, then I'm going to apply the third tone. When it will be dry, third tone मैं जब ये dry हो जाएगा तभी apply करूँगी, otherwise ये सब mix हो जाएगा। ये second picture भी मैं आपको तब तक color करके दिखा रही हूँ जब तक मेरी ये picture dry हो रही है। कोई भी इजी से पिक्चर ड्रॉ करके इस पर ये कॉफी कलर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। फर्स्ट टोन कंप्लीट हो गया है कैट के ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड टोन। इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के बाद मैं एक और कॉफ़ी पेंटिंग की वीडियोस आप लोगों से शेयर करूंगी, जो मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी। आई होप आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि
और भी बच्चे इसको देखकर सीख सकें। और वो भी कुछ नया सीखें, है ना? तो ये हमारी कैट का सेकेंड टोन भी रेडी हो गया है। नाउ इज द टाइम थर्ड टोन, ट्राई द थर्ड टोन। दिस इज द डार्कर वन। आपको धीरे धीरे इस पे कलर को रखना है। डार्क टोन को हमें ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है, बस धीरे धीरे इसको कलर को रखते जाना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। अपने फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क अप्लाई करना है उस पर आपने फिर से एक टोन कर देना है। Now this is the time to color the cute cat, cutie pie cat. Yes, कितनी क्यूट है ना? इस वक्त मैं इस कैट पे सबसे लास्ट टोन डार्कर टोन को अप्लाई कर रही हूँ।
स्टूडेंट इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट एनी क्वेरी देन प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, ताकि मैं भी अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ अगर मुझसे कोई गलती होती है तो. यहाँ मैं फिर थोड़ा सा ड्राई ब्रश अप्लाई करना है, मैं ड्राई ब्रश अप्लाई कर रही हूँ. कलर को थोड़ा सा कम लेना है. ऐसे ही आप ढेर सारी पेंटिंग्स बना के इसको अलग अलग फ्रेम में सेट करके इसको एक नॉट से टाई करके हैंग कर सकते हैं. ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वो भी आपको करके बताऊंगी कि इस तरीके की छोटी छोटी पेंटिंग्स को हम कैसे डिस्प्ले करें कि इसका लुक और अच्छा है. क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनने के बाद प्रॉपर असेंबल होती है ना तो उसका लुक अलग आता है. बनाया आपने बहुत अच्छा लेकिन आपने उसको डिस्प्ले अच्छे से नहीं किया तो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, है ना. वही ऑलमोस्ट ये डन हो गया है. थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी देना होगा. अब मेरे पास एक और आइडिया है. मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसको अभी कटआउट इसकी लूँगी और इसको किसी दूसरी शीट पे पेस्ट करूँगी, उसके बाद इसको प्रेजेंट करूँगी. दैट लुक्स मोर बेटर. तो ऐसे ही करते करते हम सीखते हैं, कोई एक बार में कोई चीज़ नहीं आ जाती है, है ना. यस, प्लीज़ ट्राई करिए. जितना आप जितनी बारी बनाएंगे, जितनी बारी आप कोशिश करेंगे, आपके काम में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी. मेरे भी काम में उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है. मैं जितनी बारी बनाती हूँ उतनी बारी मेरे काम में और ज़्यादा फिनिशिंग आती जाती है. और भी आपका हाथ सेट होता है आपके काम में. अब मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मुझे डार्क टोन की नीड है मैं थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी, क्योंकि अब ये डार्क टोन जो है
इसका बैकग्राउंड ड्राई हो चुका है। लास्ट टोन देने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपका बेस ड्राई हो चुका होना चाहिए। अगर वो वेट है, गीला है और उसी पर आप डार्क टोन दे रहे हो तो सब मिक्स हो जाएगा, मैसी हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? ये मैंने कुछ बैकग्राउंड ग्रासेस ऐड कर दी हैं। सो दिस इज़ माय कॉफ़ी पेंटिंग इज़ रेडी, नाउ इट्स टाइम टू असेंबल। सो स्टूडेंट, पेंटिंग अब रेडी हो गई है, लेट मी शो यू। है ना ये ब्यूटीफुल और इजी है ना, इजी टू मेक। मटेरियल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर किचन, सो आपको ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी और सिंपल ड्राइंग मैंने की है। ये जिराफ मैंने बनाया है, कैट है, क्यूट सी कैट है और ये मॉडर्न आर्ट है। इसकी फ्रेमिंग के लिए मैंने आपके घर में वेस्ट वेडिंग कार्ड होगी, आप उसको यूज़ करिए। मैंने भी वही किया है, मैंने वेडिंग कार्ड्स को कट किया है और इसकी फ्रेमिंग कर दी है। तो आप ऐसे ही, अगर आपके पास कलरफुल शीट नहीं है तो आप वेडिंग कार्ड्स को इस तरीके से कट करके फ्रेम कर सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। तो है ना ये इजी, आई होप यू मस्ट ट्राई।